अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों भाइयों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक डीसी पंप का रिव्यू। ये 12 वोल्ट का डीसी पंप है। हम आपको इसके कुछ डिटेल्स और स्पेक्स वगैरह बताएंगे, बाकी इसका फ्लो वगैरह भी आपको दिखाएंगे, करंट और इस तरह के पैरामीटर्स। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन का काम रमज़ान में शुरू किया था, ये आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये खंभे आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे अब बिजली करीब में नहीं है, बिजली की तारें अब यहाँ तक नहीं पहुँची, थोड़े फासले पे हैं। तो हमें जो है ना डीसी पंप का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि ये ईंटे वगैरह को ऊपर पानी डालना होता है, बाकी मतलब है मसाला वगैरह, ये कंक्रीट के लिए भी पानी चाहिए होता है। तो वैसे तो हम ये पानी जो है ना, ये छोटा सा रिजर्वायर ये बनाए हुए हैं यहाँ, तो ये सारे खेत थे, अभी नया नया कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। तो ये हमने, ये आप देख रहे हैं, ये पानी आ रहा है नहर से, ठीक है, ये छोटे से खेत के ऊपर हमने, लेकिन ऊपर डालना होता है तो उसके लिए पंप की ज़रूरत होता है। तो ये चलिए, बाकी बातें बाद में, अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये ड्राई बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं इको स्टार की, ये वो दूसरी AGS वगैरह से बहुत बेहतर है। ये 100 AH की है, ये इसका कोई नंबर भी नज़र आ रहा है शायद आपको, ये EB1-A1480, लेकिन ये 100 AH की है। और अब आप देख सकते हैं ये 12.8, मतलब ये फुली चार्ज है, ठीक है। अब हम जब इसको कनेक्ट करेंगे ये डीसी लोड को, मतलब मोटर को, यहाँ हमारे पास ये मोटर है, तो करंट भी आपको शो करेंगे। और ये थोड़ा सा, ये बैटरी का वोल्टेज थोड़ा सा नीचे आएगा जब भी कोई लोड कनेक्ट होता है। ये अभी आप देखें, ये देखें, अब ये थोड़ा सा पॉइंट्स में कम हो गया, 12.64। अब आपको इस करंट हम मेजर करके दिखाएंगे, एक क्लैम्पर हमने ऑलरेडी, ये वायर जो है ना इसके थ्रू गुजारी हुई, तो ये 4.24 amps, तो 12 point something मल्टीप्लाई बाय 4, हम मान लेते हैं 60-70 watt इसकी कंजम्पशन है। तो ये अभी आपको फ्लो हम इसका दिखाते हैं, देखें ये यहाँ से ये पानी ले रहा है, ये यहाँ इसमें हमने डाले हुए, ये ठीक है, आप देख सकते हैं, ये इसका चेकवाल है, और ये मौलाना साहब जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये डेमो दे रहे हैं, पानी दीवार वगैरह की इसकी ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई, लेकिन ये पहले नाराज़ थे कि जो है ना ये बर्तन वगैरह से तो नहीं हो सकता, इसके लिए बाल्टी वगैरह से तो ये नहीं हो सकता, इसके लिए जो है ना प्रॉपर होना चाहिए। तो ये देखे बगैर उसके, ये मैं आपको करीब से क्लोज़अप दिखाता हूँ, ये बाज़ार से मिल रहा है, मुख्तलिफ ब्रांड्स है, ये चेयरमैन का है ये पंप, ये मैं थोड़ा सा उधर जा के, आई थिंक चेयरमैन कंपनी है, हाँ ये मैं इसको ये दिखाता हूँ, चेयरमैन पंप एक्सपोर्ट क्वालिटी, और ये है 12 वोल्ट। इसके ऊपर सिर्फ वोल्टेज लिखा होता है कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है, करंट इसलिए नहीं कि वो मतलब फ्लो पे डिपेंड करता है। ये वो पाइप में आ गया था लॉकेज, तो ये निकल गया, ये देखे एक मिनट, ये बड़ा बहुत ज़बरदस्त, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें,
और हम आपको एक और, इससे पहले हम एक और पंप यूज़ कर रहे थे तो वो चाइना था, वो पोर्टेबल था छोटा सा, वो उसमें ख़राबी आ गई। उसकी भी हम रिव्यू लेके आएंगे तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह हम आइंदा कोशिश करेंगे कि आपके लिए इस तरह यूज़फुल वीडियोस लेके आए, टेक्निकल रिव्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।